हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम अरेलिस का जो एग्जांपल बनाएंगे उसके इनसाइट सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन की प्रोसेस को अप्लाई करके देखेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ अरेलिस बना लेते हैं। अरेलिस बनाने के लिए जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइट जो अरेलिस नेम का क्लास होता है, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ अरेलिस को स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। अब चूंकि हमने अरेलिस का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, तो जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड जो अरेलिस नेम का क्लास होता है उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इनसाइड कुछ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करते हैं। अरेलिस के पास ऐड नेम का मेथड होता है। हम अरेलिस के ऑब्जेक्ट से ऐड नेम के मेथड को कॉल करेंगे और उसकी हेल्प से अरेलिस के इनसाइड एलिमेंट्स ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर सीरियलाइजेशन की प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। सीरियलाइजेशन की प्रोसेस में हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को बाइट स्ट्रीम में राइट करवाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अरेलिस्ट है इसके इनसाइट हमने स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं, इनको हम किसी फाइल के इनसाइट बाइट स्ट्रीम के फॉर्म में राइट करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्राइकेज ब्लॉक लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्राइकेज ब्लॉक इसलिए लगाया है ताकि जब मैं सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई करूँ और कोई एक्सेप्शन आए तो वो यहाँ पर हैंडल हो जाए। यहाँ पर मुझे एक फाइल क्रिएट करवाना है, तो मैं यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम नेम की जो क्लास है जावा के आई पैकेज के इनसाइट उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। यहाँ पर मुझे फाइल का नेम और एक्सटेंशन देना है, तो मैं यहाँ पर फाइल का नेम डेमो दे रहा हूँ और उसका एक्सटेंशन में दे रहा हूँ .txt। आप जो भी नेम और एक्सटेंशन देंगे उस नेम और एक्सटेंशन से फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम नेम की जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसके कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम नेम की क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जहाँ पर ये फाइल क्रिएट होगी उस फाइल का पूरा पाथ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को मिल जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम नेम की क्लास के पास राइट ऑब्जेक्ट नेम का एक मेथड होता है, उसकी हेल्प से हम इन अरेलिस के एलिमेंट्स को demo.txt नेम की फाइल के इनसाइट बाइट स्ट्रीम के फॉर्म में राइट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर राइट ऑब्जेक्ट नेम की मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम अरेलिस के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। अब हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को भी क्लोज करेंगे। यहां पर हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज इसलिए कर रहे हैं ताकि फाइल के इनसाइड जब डेटा राइट हो तो वो सेव हो जाए।
ये जो प्रोसेस हमने अप्लाई की ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या नहीं ये जानने के लिए हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं सक्सेस। चलिए रन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमें मैसेज मिला है सक्सेस, इसका मतलब ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। चलिए हम चेक करके देखते हैं। ये जो प्रोजेक्ट नेम है यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये जो लोकेशन वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके सामने एक पाथ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये जो सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमो डॉट टीएक्सटी नेम का फाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। चलिए राइट क्लिक करते हैं और इसे नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अरे लिस्ट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो बाइट स्ट्रीम में यहाँ पर राइट हो चुके हैं, ये हमें समझ में नहीं आएंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सीरियलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई किया है कि अगर किसी को फाइल मिल भी जाए तो उसके इनसाइड जो डेटा हो उसे समझ में ना आए, वापस से इस बाइट स्ट्रीम को हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे उस प्रोसेस को डीसीरियलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए डीसीरियलाइजेशन की प्रोसेस को अप्लाई करके देखते हैं। बहुत आसान है डीसीरियलाइजेशन की प्रोसेस को अप्लाई करना। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम का। यहाँ पर हमें वो पाथ देना है जहाँ पर हमारा फाइल क्रिएट हुआ है। तो फाइल हमारे प्रोजेक्ट फाइल के पैरेलल में ही है तो हम केवल फाइल का नेम देंगे और इसका एक्सटेंशन इस तरीके से। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देंगे। इसके बाद हम यहां पर ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम नेम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहां पर हम फाइल इनपुट स्ट्रीम नेम की क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम नेम की जो क्लास है उसके पास रीड ऑब्जेक्ट नेम का मेथड होता है और जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये डेमो डॉट टीएक्सटी नेम की जो फाइल है उसके इनसाइड जो बाइट स्ट्रीम फॉर्म में डेटा रखा हुआ है उसको वापस से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब वो जो डेटा है वो अरे लिस्ट का है तो यहाँ पर हम अरे लिस्ट से टाइपकास्ट करेंगे और जो डेटा आएगा उसको हम अरे लिस्ट के रेफरेंस में रख देंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एल नेम के रेफरेंस को पास कर देंगे। चलिए रन करके चेक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरे लिस्ट के इनसाइड जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे स्ट्रिंग टाइप के वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। और ध्यान दें ये जो एलिमेंट्स हैं ये अभी यहाँ डेमो डॉट टी एक्स टी नेम की फाइल के इनसाइड से हमने निकाले हैं और प्रिंट करवाए हैं। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने अरे लिस्ट के इनसाइट सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन की प्रोसेस को अप्लाई करके देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।